ब्रेक के बाद रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ और खबरों की तरफ। बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 55 थाना एरिया में बीती रात नाकाबंदी के दौरान सिकरौना चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने 3 गाड़ियों से लगभग 60 किलो गांजा बरामद किया था, साथ ही 8 गांजा तस्करों को भी हिरासत में लिया। सिकरौना चौकी इंचार्ज ने बताया कि ये 8 लोग पिछले 6 महीने से सिरमतरा गांव से गांजा लेकर आते हैं और बल्लभगढ़ में गांजे का व्यापार करते हैं, पर अभी तक इन पर कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है तेरा? संजय नाम है मेरा। संजय, पुलिस ने पकड़ा, क्यों पकड़ा है? ये सर, मैं गांजा बेचता हुआ पकड़ा गया। कहाँ बेचते हो? मैं जी सिरमतरा, वो है जी हमारा तालाब है जी, उस पे बेच रहा था जी। कहाँ से लाते हो और किस तरीके से आपको पकड़ा है? ये जी अलीगढ़ से हम मंगवाते थे जी, और नीरज है जो उनको देते थे जी। पकड़ा कहाँ पे था आपको और कब पकड़ा है? ये जी सिकरौना के फिर पकड़ा था जी। कब पकड़ा था ये? कल पकड़ा था जी, रात को। कितने लोग थे तुम साथ में? ये तो मुझे नहीं पता जी, अलग थे जी, मैं अलग था जी, मेरे को बाद में पकड़ा है। कौन सी गाड़ी में लेके जा रहे थे? कितना माल था तुम्हारे पास? पुलिस ने पकड़ा, आपको पछतावा है? हाँ जी, बहुत पछतावा है। कल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई 2 गाड़ियों में माल आ रहा है उधर से, नेशनल हाईवे की तरफ से। मैं सिकरौना चौक के इंचार्ज हूँ, तो हमने नाका लगाया वहाँ पर सिकरौना चौक के पास, और 2 गाड़ियों में बलेरो थी, एक आगे कैंपर HR99TR6600 और एक टाटा सूमो HR26BX3769। इन दोनों के अंदर 20-20 किलो के समथिंग जो गांजा है वो हमने पकड़ा है। सर, कितने बजे की बात है ये जो भी पकड़ा है? शाम को करीब 7:30-8 के बजे के आसपास। कहाँ से लेके आते हैं और कहाँ ये बेचते हैं? जो अभी इन्होंने फॉर्मली जो पूछताछ की है उसमें अभी इन्होंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि भाई माल को यूपी से कोई आदमी इनको दे के जाता है, यहाँ पर सप्लाई करता है, ये फिर उसको आगे अपने छोटे छोटे पीसीज में बना के और शहर में, या एक आदमी जो है वो सरमथले का, वो बोलता है कि मैं अपने सरमथले में सप्लाई करता हूँ, और एक आदमी जो मेरे यहाँ का फरीदाबाद का है, दूसरा नीरज नाम से है भाखरी का, वो बोलता है कि वो डबुआ वगैरह इन कॉलोनियों में जो लोग नशा करते हैं उनको बेच देते हैं। सर, क्या पूछताछ के दौरान ये पता चला कि अब पहले से कितने पहले से इस काम को कर रहे हैं? अभी तो उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 महीने से ही। पहले पुलिस ने पकड़ा कभी? नहीं, मुझे अभी तक इन्होंने ये बात नहीं बताई कि अभी पुलिस में पकड़े गए, ना ही शायद। मैं अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता करूंगा, अगर होगा तो बिल्कुल आपको बताएंगे। सर, वहाँ से हम माल लेके आते थे संजय से, सरमत ले गए संजय, वहाँ पर पकड़ा था सर हमने, वहाँ जा रहे थे सोने बल्लमगढ़ के। क्या माल था? क्या माल? गांजा था। कितना? करीब 20 के। सर, एक और मामला आया है गांजे का। सर, क्या है पूरा मामला इसका? कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? हम अपनी टीम के साथ सोना बल्लोगढ़ रोड पर क्राइम के पड़ताल के रिगार्डिंग गश्त पर थे, तो LR कॉलेज के पास हम खड़े थे, तो मुखबर ने हमें सूचना दी कि 3 लड़के राजस्थान के रहने वाले हैं, जो I-20 कार में मादक पदार्थ लेकर सोना की तरफ से बल्लोगढ़ की तरफ आएंगे। उस सूचना पर हमने वहाँ नाकाबंदी शुरू की LR कॉलेज। थोड़ी देर बाद में वो कार नाके पर आ गई, जिसको हमने काबू करके आरोपियों से नाम पता पूछा, तो उन्होंने एक मास्टरमाइंड इसका अनिल कुमार, तीनों राजस्थान के रहने वाले हैं, युति जारा। कितना किलो इनसे बरामद हुआ है? कितने आरोपी हैं? 3 आरोपी हैं और 20 किलो 200 ग्राम कुल में बरामद किया गांजा।